दोस्तों नमस्कार, हमारे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने पीसी या लैपटॉप में फाइल और फोल्डर का कलर या आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि कलर किस तरह से फाइल या फोल्डर का चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट का डाउनलोड का एड्रेस है, ये जोन सा है। तो आपने क्या करना है, इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लें, इस एड्रेस को आप नोट कर लीजिए और इसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं एंटर का बटन दाब देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये डाउनलोड नाउ, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे कंप्यूटर में ये पहले से ही डाउनलोड है और मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कलर कैसे देना है। कलर देने के लिए आप किसी भी फोल्डर पर जाइए, जैसे कि ये फोल्डर पड़ा है, तो अपने माउस के राइट साइड पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलराइज की ऑप्शन आती है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए जो भी आप इस फोल्डर को कलर देना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसे ये कलर दे देता हूँ, ग्लो ग्रीन। ये देखिए यहाँ पर ये कलर चेंज हो चुका है, और यहाँ पर उनका मैसेज भी आ गया, कंग्रेचुलेशन। तो अगर इसका कलर आपने हटाना है, दोबारा से इसे वैसा ही करना है, तो इसके राइट साइड में क्लिक करके कलराइज में जाइए, और कलराइज में जाने के बाद रीस्टोर ओरिजिनल कलर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये पहले जैसा ही हो गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फोल्डर का आइकन कैसे चेंज करना है। आपने फोल्डर का आइकन चेंज करने के लिए आप फोल्डर पर जाइए और उसके राइट साइड में क्लिक कीजिए माउस के राइट साइड पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे है प्रॉपर्टी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है ऑप्शन कस्टोमाइज की, कस्टोमाइज में जाइए। कस्टोमाइज में जाने के बाद यहाँ पर चेंज आइकन की ऑप्शन आ जाती है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने कई सारे आइकन आ चुके हैं, तो यहाँ से आप कोई भी आइकन दे सकते हैं। ये देखिए कितने सारे आइकन हैं यहाँ पर। तो अब मैं इसे ये वाला आइकन दे देता हूँ, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए ये अप्लाई हो चुका है, न्यू फोल्डर है जोन सा हमारा, इसे क्लिक करके खोल लीजिए। ये देखिए यहाँ पर इसका आइकन चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ से कई सारे आइकन लगा सकते हैं, ये सभी आइकन है, ये देखिए यहाँ से आप किसी भी तरह का आइकन लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर आएंगे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।